और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध पर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रूसी हमले में एक अभिनेत्री की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, राजधानी कीव में मिसाइल हमले में अभिनेत्री की मौत हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध लगातार जारी है और ऐसे में अब एक अभिनेत्री की मौत की खबर मिल रही है। रूस की तरफ से हमला किया गया और इसी हमले में राजधानी कीव में अभिनेत्री की मौत हुई है। मिसाइल से हमला रूस की तरफ से किया गया था। तस्वीरें आप देखें किस तरीके से एक के बाद एक मिसाइल अटैक रूस की तरफ से लगातार जारी है और ऐसे में मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब एक अभिनेत्री की मौत की जानकारी मिल रही है। ये बड़ा अपडेट इस महायुद्ध को लेकर जो कि दोनों देशों के बीच में 24 फरवरी से लगातार जारी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध पर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन का रूसी सेना को बड़ा जवाब, खार्किव में कई रूसी टैंक तबाह किए गए हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया है कि खार्किव में कई रूसी टैंक हमने तबाह कर दिए हैं। ये बड़ा नुकसान का दावा किया गया है यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से। यूक्रेन का रूसी सेना को यह बड़ा हमला यहां पर नजर आया है जिसमें खार्किव शहर में कई रूसी टैंक तबाह किए गए हैं, जो कि दावा यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया जा रहा है। खार्किव शहर जहां पर रूस के हमले लगातार बढ़ते हुए दिन ब दिन नजर आ रहे हैं और ऐसे में उन हमलों का जवाब भी यूक्रेन दे रहा है। और ऐसे में रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है कि कई रूसी टैंक तबाह कर दिए गए हैं, नष्ट कर दिए गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 23वां दिन है। राजधानी कीव पर रूस का हमला लगातार जारी है। रूस के कीव पर लगातार हमले तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। कीव से हमले की ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। कीव के एक जिले में हमले के बाद एक इलाके में आग लग गई जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसके बाद आसमान में काला धुआं छा गया। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर यह भीषण आग लगी और ये आग की लपटें तेजी से फैलती हुई नजर आई और उसके बाद पूरा आसमान इन काले गुब्बारे में भरता हुआ नजर आया। इसी तरीके की यह भीषण आग जो कि राजधानी कीव में लगी है, राजधानी कीव के एक जिले में यह हमला हुआ और हमले के बाद वहां पर आग धधकती हुई नजर आई और उसके बाद इस तरीके का काला धुआं छा गया पूरे आसमान में। राजधानी कीव की यह तस्वीर आप देख रहे हैं। पिछले 23 दिन से लगातार युद्ध जारी है और ऐसे में ज़ेलेंस्की और पुतिन अब इस महायुद्ध को लेकर किस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ेंगे, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की सेना की ओर से एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो खार्किव का बताया जा रहा है जहां पर यूक्रेन की वायुसेना ने रूस के सैनिकों पर हमला किया है और रूसी पोस्ट को तबाह कर दिया। हमले के बाद रूसी पोस्ट में आग लगी हुई दिखाई दी। ये देखिए किस तरीके से रूसी पोस्ट में ये आग लगी हुई है जो कि यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया। खार्किव जहां पर दोनों देशों की सेना आमने सामने नजर आ रही है, अगर एक हमला रूस की तरफ से किया जाता है तो काउंटर अटैक भी यूक्रेन करता हुआ नजर आता है और ऐसे में ये बड़ा हमला यूक्रेन की तरफ से रूसी पोस्ट पर जहां पर ये भीषण आग लगती हुई नजर आई, पूरा का पूरा जो रूसी पोस्ट है वो इस आग में तबाह हो गया।